यू ऑल माय लवली फूडीज, आई एम चीजें। वेलकम बैक टू माय चैनल सिब्लिंग्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छी सी स्टार्टर रेसिपी बनाएंगे जो कि दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर और इनोवेटिव है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। बेसिकली एक चाट है, हम बनाएंगे कोन चाट, जिसका कोन आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें। और जब भी आपके घर में गेस्ट आने वाले हों या आपकी कोई भी पार्टी आप ऑर्गेनाइज करें, तो उसे फटाफट से चाट बना के आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है और खाने में उतनी ही ज़्यादा चटपटी और कुरकुरी होती है। तो विदाउट फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना क्रिस्पी कॉर्न चाट, जो कि बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है। इसमें हम इमली की और धनिया की चटनी भी बनाना सीखेंगे। इसकी सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स यही है कि आप इसे बना के रखें, कॉर्न को एक मंथ के लिए स्टोर करें, और जब भी कोई भी गेस्ट आए फटाफट से इसमें चटपटी सी फिलिंग बनाएं, इमली की चटनी और दोनों चटनियाँ डालें और सर्व करें। तो सबसे पहले हम इसका आटा प्रिपेयर कर लेते हैं कॉर्न्स के लिए। तो हमें चाहिए होगा इसके लिए ये एक कप मैदा। इस तरीके से मैंने मैदा ले लिया है, छनावा होना चाहिए मैदा। उसके बाद इसमें हाफ कप जो है हम सूजी लेंगे बारीक पिसी हुई, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और चिली फ्लेक्स, एकदम ऑप्शनल है चिली फ्लेक्स, बट डालेंगे तो इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब 2-3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, जैसे हम मोइन देते हैं वैसे मोइन हम इसमें लगाना है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें आप पानी धीरे धीरे करके डालें। इसका हमें आटा लगाना है जैसे पूड़ी का लगाते हैं वैसे ही, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से तेल लगा के आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे और इस आटे को अच्छे से होने देंगे। अब आधे घंटे बाद हम एक बार इसे वापस से थोड़ा सा ऑयल लगा के गूंथ लेंगे। ये देखिए इस तरीके का आटा हमें होना चाहिए। अब इसमें से हम एक लोया लेंगे और इसे अच्छे से गूंथ के और हम बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा आटा नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। ये थिकनिंग इसकी रहनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये कोन का साचा है तो इस तरीके से मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैं इसमें भी बताऊंगी और बिना उसके भी बनाना बताऊंगी आपको। तो ये इस तरीके से कोन का है साचा, ये अवेलेबल हो जाएगा कहीं से भी आप ये इस तरीके से लें। इसे इस तरीके से काटें और इसे एक कोना लेके इस तरीके से हमें इसे रोल करना है। तो हल्के हल्के हाथों से रोल करें और पानी की मदद से इसे सील कर दें एंड में, तो थोड़ा सा पानी लगा के और हम इसे पेस्ट कर देंगे इसकी मदद से इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। ऊपर से ये जो एजेस है ना, ये खुली होनी चाहिए ताकि जब आप इसको तेल में फ्राई करेंगे तो अपने आप ही कोन में से निकल के आ जाएंगे ये जो ऊपर के जो एजेस हैं वो। अब हमें फोक की मदद से इसे प्रिक करना है इस तरीके से, ताकि ये हमारे फूले नहीं जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर का जो कोना है उसे हमें थोड़ा सा इसको इस तरीके से खुला खुला रखना है, ताकि आराम से हम कर पाएंगे और ये निकल जाए हमारे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे प्रिपेयर कर लिए हैं फ्राई करते वक्त। एक हम बिना साँचे के भी बनाएंगे। ये कोने से कोना मिलाना है इस तरीके से और थोड़ा सा पानी लगा के सील कर देना है। ये ऐसे भी बन पाता है आराम से, और ऊपर से ये आप इसे पूरा अच्छे से छेद करें इस तरह में तरीके से, ताकि इसमें हम फिल कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से है। तो तेल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर फिर हम इसे तलेंगे। तो ये देखिए पहले चेक करें, इस तरीके से हम कोन डालेंगे सारे इसमें, और इसे कम आँच पे जो है मीडियम टू लो में हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हमें इस तरीके से फ्राई करना है, फिर हम निकालेंगे। ये देखिए आराम से ऊपर से ढीला होने की वजह से ये कोन में से अपने आप निकल जाता है। ये देखिए निकल गया, इसे अलग कर लेंगे और इस तरीके से सारे फ्राई करेंगे हम। ये देखिए, और जो नहीं निकलता है उसे ठंडा होने के बाद आप निकालें। तो ये सारे कोन मैंने इस तरीके से प्रिपेयर बना करके रख लिए हैं। अब इसे 1 मंथ तक में एयर टाइट बॉक्स में आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाना देख लेते हैं हम धनिए की। तो ये धनिए को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था इस तरीके से, आप भी इसे चॉप करें और वॉश कर लें 2-3 पानी से, एकदम अच्छा साफ होना चाहिए ये। तो ये हम एक सबसे पहले ग्राइंडर में इसे ले लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा और नमक 1 टीस्पून। आप पिसा हुआ जीरा भी ले सकते हैं इसके अंदर, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। लेमन का जूस, अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। साथ में ऐड करेंगे दही, मैं दही ऐड करा है, इसमें गाढ़ा होना चाहिए दही। तो ये मैंने 1/4 कप के अराउंड दही डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी। साथ में ऐड करूँगी 2-3 टुकड़े हरी मिर्च के और अदरक के। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी, एकदम बूंद चीनी डालेंगे। चीनी डालने से क्या होता है, इसका बैलेंस हो जाता है और धनिया का कलर सेम टू सेम रहता है। तो इस तरीके से इसलिए चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा हम इसे पतली नहीं करेंगे,
और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ी चटपटी सी हमारी धनिया की चटनी बनके एकदम रेडी है चाट के लिए। अब आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, 1 मंथ तक ये खराब नहीं होती है फ्रिज में। अब इमली की चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने लिए है कुछ 150 ग्राम के करीब इमली, इसके पूरे बीज मैंने निकाल लिए हैं इस तरीके से। विदाउट सीड वाली इमली भी मिलती है, तो जिस कढ़ाई में मुझे बनाना है उसी में मैंने लिया है। इसमें मैं 1 कप के अराउंड जो है पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसे बॉईल करना है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे, जब तक कि हमारी इमली सॉफ्ट नहीं हो जाती हम इसे बॉईल करेंगे, तेज आंच पे करें। ये देखिए सॉफ्ट होने लगी है इमली, इस तरीके के हमें इसे बॉईल लेना है। तो 2-3 उबाल आ जाएंगे तो इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए बॉईल आ गया, मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने देती हूँ। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बार मिक्सी में पीस लेंगे। तो पीसने के बाद आप इसे छान लें और इसकी प्यूरी ले लें, छान लें ताकि जो भी रेशा है इसके अंदर वो सारा निकल जाए। हम इसका सारा रेशा निकाल लेना है और इस तरीके के हम से बना लेना है। पानी अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चीनी डालेंगे, गुड़ डालेंगे तो उससे भी पतली होगी। अब इसे मैंने डाला है कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे, उससे इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो मैंने गुड़ डाला है इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। तो दोनों मैंने 1/4 कप के अराउंड ऐड करी है, इससे बैलेंस होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम गुड़ और दोनों का ही इसमें यूज़ करते हैं चीनी का। फिर मैंने डाला है 1 चम्मच सॉल्ट का पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है पिसी हुई हमारी जो होती है सौंफ, और थोड़ी सी मिर्ची लाल मिर्च और पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक, अपने हिसाब से ऐड करें। इससे बहुत ही टेस्टी सी चटपटी से हमारी इमली बनके चटनी बनके रेडी होगी। एक दो बाल आने दें इसके अंदर, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है ये, और बहुत ही चटपटी सी इमली हमारी की चटनी बनके रेडी है। अब फ्रेंड्स कोन्स के लिए हम फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी सी। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 कप के अराउंड चॉप्ड प्याज, चॉप्ड आलू मैंने बॉयल लिए हैं उनको चॉप कर लिया था, साथ में ली है कैप्सिकम। सारी सब्जियां मैंने 2-2 चम्मच के अराउंड ली है 1/4 कप के अराउंड। ये बॉयल्ड कॉर्न्स हैं, आप जो चाहें फिलिंग दे सकते हैं, सिर्फ आलू की फिलिंग दे सकते हैं, भेलपूड़ी चाहें तो भेलपूड़ी की फिलिंग दे सकते हैं। खीरा मैंने ऐड किया है इसमें, टमाटर ऐड किया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, मुझे ये फिलिंग अच्छी लगती है इसलिए मैं वेजीज़ की फिलिंग करती हूँ, इससे वेजिटेबल्स भी आप बच्चों को जाती है पेट में। ये मैंने इसके अंदर चना होता है काला चना, उसे रात भर मैंने भिगोया था, उसके बाद इसकी एक सीटी लगा ली थी। तो इस तरीके से बॉयल चना डालते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वो मैंने इसमें डाला है। अब दोनों तरीके की चटनी हम ऐड कर देंगे इसमें 1/1 टीस्पून। फिलिंग आप कैसी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छी लगती है। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, भेलपूड़ी वाली फिलिंग है, ये है, आलू की प्लेन फिलिंग आप कर सकते हैं, वेजीज़ की फिलिंग, तरह तरह के ऑप्शन आप देके और सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही चटपटी सी हमारी फिलिंग बनके रेडी होगी। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करते हैं, काला नमक मैंने ऐड किया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर डाला है या चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर नींबू का रस, क्योंकि चाट है तो नींबू का रस तो होना ही चाहिए। तो एकदम चटपटी सी फिलिंग बनके रेडी है, अब इन्हें असेंबल करते हैं। तो ये कोन्स के अंदर हम सबसे पहले हमारी फिलिंग डालेंगे तरीके से, ये देखिए। अभी तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे, मीठी चटनी डालेंगे। फ्रेंड्स बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, हम ऐसी इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ हमेशा ही आते रहते हैं। ऊपर से 0 नमकीन हम लगाएंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी कोन चाट बनके हमारी रेडी है, कितनी सुंदर दिख रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। ये देखिए बहुत ही लाजवाब सा ये परफेक्ट सा स्टार्टर बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ जरूर